नमस्कार बच्चों, आज अपने जियोग्राफी क्लास ट्वेल्थ का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक्स का तीसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा लेसन है अपना विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। हम इस पूरे विश्व भर की जो जनसंख्या है, विश्व जो जनसंख्या है उसका वितरण पढ़ेंगे, घनत्व और वृद्धि। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको जनसंख्या वितरण और घनत्व वृद्धि, इस अध्याय में अपने तीन टॉपिक हैं। विश्व जनसंख्या वितरण, जो जनसंख्या वितरण का एक टॉपिक है कि इस पूरे ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर जो सात महाद्वीप हैं, इन सात महाद्वीपों में कितने कितने लोग रहते हैं, किस प्रकार इस ग्लोब पर जो अपने महाद्वीप हैं उनमें जो लोग हैं वो फैले हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जनसंख्या वितरण का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? जनसंख्या वितरण इस पृथ्वी पर भूपृष्ठ, इस पृथ्वी का जो ग्लोब है हमारा, इसका जो भूपृष्ठ है, धरातल है, उस धरातल पर लोग किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार फैले हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या वितरण। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना है घनत्व। घनत्व क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या होती है घनत्व। किसी क्षेत्र विशेष में समय के अनुसार जनसंख्या के अंदर जो बदलाव आता है वो वृद्धि होती है। तो इस अध्याय में अपने तीन बिंदु है, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और वृद्धि। तो पहले अपने पहला टॉपिक लेते हैं आज, जनसंख्या वितरण। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या होता है? भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार निवास करते हैं, यानी जो हमारी पृथ्वी है, इसका जो धरातल है, इस पर लोग किस प्रकार रह रहे हैं, किस प्रकार फैले हुए हैं। तो इसकी स्थिति, इसकी स्थिति अगर हम विश्व भर की जाने, क्योंकि बड़े स्तर पर पढ़ रहे हैं, ग्लोब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है? जो इस पृथ्वी की 90% जनसंख्या है वो 10% भूभाग पर निवास करती है। तो इसका जो बड़ा बड़ा मैटर है वो क्या है कि जो जनसंख्या वितरण है इस पृथ्वी पर, इस ग्लोब पर, जो 90% जनसंख्या क्या है, केवल 10% भूभाग पर निवास करती है। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद में अपने जो विश्व की जनसंख्या, उसमें महाद्वीप है, तो महाद्वीपों के अंदर लोग किस प्रकार रह रहे हैं, कितनी कितनी जनसंख्या है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला महाद्वीप है एशिया। अगर हम एशिया की बात करें, विश्व भर में एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा लोग रहते, 430 करोड़। अगर कुल 430 करोड़ लोग हैं जो एशिया महाद्वीप में रहते हैं, विश्व की तीन चौथाई, कितनी? तीन चौथाई जनसंख्या कहां निवास करती है? एशिया महाद्वीप में निवास करती है। इसके बाद में नेक्स्ट अफ्रीका महाद्वीप। अगर हम विश्व के अंदर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, तो अफ्रीका महाद्वीप में 110 करोड़ लोग रहते हैं। तीसरा जो महाद्वीप है अपना यूरोप। विश्व में यूरोप महाद्वीप की बात करें, तो यूरोप महाद्वीप में 74 करोड़ लोग हैं जो निवास करते हैं। दक्षिणी अमेरिका की बात करें, तो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें 40.1 करोड़ लोग हैं जो निवास करते हैं। ओशेनिया महाद्वीप है, उसमें 3.8 करोड़, और सबसे कम क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके अंदर क्या है? सबसे कम लोग है जो निवास करते हैं। अगर हम विश्व की कुल जनसंख्या 2013 की जनगणना के अनुसार, कितने हैं विश्व में कुल जनसंख्या 2013 के अनुसार, पूरे संसार भर में 714 करोड़ लोग हैं जो रहते हैं इस पृथ्वी पर फैले हुए। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये पूरे विश्व का जो जनसंख्या वितरण है, अलग अलग महाद्वीपों की स्थिति है कि किस प्रकार, कौन कौन से महाद्वीप में लोग
निवास कर रहे हैं, 2013 के आंकड़े हैं। एशिया महाद्वीप में अगर टोटल बात करें, विश्व की कुल जनसंख्या बात करें, तो 2013 के अनुसार कितनी है, 714 करोड़। एशिया महाद्वीप में कितनी हुई, 430 करोड़। अफ्रीका में 110 करोड़। यूरोप में 74 करोड़। उत्तरी अमेरिका में 55.7 करोड़। ओशेनिया जो है वहाँ 3.8 करोड़। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे कम लोग निवास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो आगे अपने इस पे चर्चा कर लेते हैं, विश्व भर में जो जनसंख्या की दृष्टि से जो अग्रणी देश हैं, वो देश कौन कौन से हैं। अग्रणी देशों में अपने बात करें तो विश्व में जैसे चीन है, इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, रूस है, बांग्लादेश है, जापान है, नाइजीरिया है। तो ये देश क्या है, विश्व भर में जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। इन देशों के अंदर क्या है, जनसंख्या है, उसका दबाव ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। और एक बात हो रही है, इनमें से एशिया महाद्वीप के कितने देश हैं, इन देशों में 7 महाद्वीप एशिया महाद्वीप के देश हैं इसके अंदर जो सम्मिलित है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अग्रणी देश हो गए। इसके बाद में अपने बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व भर में कौन सा देश है, ठीक है, अग्रणी, तो चीन है। प्रथम स्थान चीन का है और द्वितीय स्थान किसका है, भारत का है। तो ये विश्व की दृष्टि, विश्व जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, विश्व में चीन का प्रथम स्थान है और भारत का क्या है, द्वितीय स्थान है। इसके बाद में प्यारे बच्चों, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व के विभिन्न भूभाग। यानी इस पूरी जो विश्व है, धरातल है अपना पृथ्वी का, इसको 4 भागों में बांटा गया है जनसंख्या की दृष्टि से। तो पहला जो भाग है सघन जनसंख्या, तो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं इस पृथ्वी पे, इस धरातल पे, तो उसमें आ गया चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिणी कोरिया, हांगकांग। ये जो देश हैं ये सघन जनसंख्या वाले, सघन का अर्थ आबाद, जिनकी जनसंख्या क्या है, अधिक है, यहाँ लोग क्या है, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में रहते हैं। तो ये सघन जनसंख्या वाला पहला भाग हो गया सघन जनसंख्या। सघन जनसंख्या के अंदर कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, उसमें चीन है, भारत है, जापान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिणी कोरिया, हांगकांग, ये देश आते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा भूभाग है इसका, सामान्य जनसंख्या वाले भाग, जिनमें चिली, चिली के अंदर जनसंख्या का दबाव अधिक देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ तांबा पाया जाता है। इसके बाद कनाडा, कनाडा के अंदर यूरेनियम पाया जाता है, इसकी वजह से लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, सोना पाया जाता है, इसकी वजह से क्या है, वहाँ लोग ज़्यादा संख्या में निवास करते हैं। तो दूसरा भूभाग आ गया प्यारे बच्चों, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से आ गए, चिली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तीसरा आ गया जो विरल क्षेत्र है इस पृथ्वी पर, वो क्या है, विरल क्षेत्र में क्या है, 70% भूभाग पर केवल क्या है, इसकी विशेषता क्या है, 5% लोग ही निवास करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विरल जनसंख्या क्षेत्र बोलते हैं। इसके बाद में अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहां सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, ये इस पृथ्वी पे जो अपने अति शीतल प्रदेश हैं, तो ग्लोब को देखते हैं तो उस पर क्या है, अपने दो तो ध्रुवीय प्रदेश आ गए, उत्तरी ध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुवीय, ये वाले प्रदेश, यहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है, इस वजह से लोग यहाँ बहुत कम निवास करते हैं। फिर विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या है, लोग कम निवास करते हैं। या फिर क्या है, इस पर पृथ्वी पर जो उच्च मरुस्थल है, मरुस्थलीय भागों में कम लोग निवास करते हैं, या उच्च धरातल है, ऐसे क्षेत्रों में लोग क्या है, कम निवास करते हैं। तो ये हो गए बच्चों जनसंख्या की दृष्टि से अपने विश्व के विभिन्न भूभाग, जो जनसंख्या को 4 भागों में बांटा गया है, सघन जनसंख्या, सामान्य जनसंख्या, विरल जनसंख्या और अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है विश्व वितरण को, विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।
तो ये चार प्रकार के कारक हैं। कितने हैं? चार प्रकार के कारक हैं। तो उनमें पहला जो कारक है वो लेते हैं विश्वव्यापी कारक। तो इसके अंदर जो लोग हैं वो क्या देखते हैं? अवस्थिति, यानी लोग कहाँ प्रभावित होते हैं। तो ये अवस्थिति, जलवायु, धरातल और समुद्र तल से ऊंचाई। लोग क्या है, जिस जगह का चयन करते हैं इस धरातल पर, भूपृष्ठ पर, तो उसमें विशेषता उसकी अवस्थिति देखते हैं कि वहाँ का जो धरातल है वो कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, संरचना कैसी है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों का वो चयन करते हैं। फिर क्या है, वहाँ की जलवायु को देखते हैं। तीसरा धरातल देखते हैं, फिर समुद्र तल से ऊंचाई देखते हैं। ऐसे क्षेत्रों में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद में प्रादेशिक कारकों की करें तो उसमें क्या है, भूमि की जो बनावट है वो भी लोगों को रहने के लिए वो देखते हैं, भूमि कैसी है वहाँ की, जल की आपूर्ति हो रही है नहीं हो रही है ऐसे क्षेत्रों में, मृदा कैसी है, उपजाऊ है अनुपजाऊ है, वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। तो लोग अपने क्या है वहाँ पे अपने लिए सुविधा देखते हैं। जहाँ पर लोगों को इस पृथ्वी पर बेहतर सुविधाएं प्राप्त होती है ऐसे लोगों का चयन करते हैं और लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रादेशिक कारक में क्या है, लोग क्या देखते हैं, इस पृथ्वी पे भूमि की बनावट देखते हैं, जल की आपूर्ति देखते हैं कि यहाँ पे जल उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि इनका जीवन के अंदर बहुत महत्व होता है, मृदा है, वनस्पति है, खनिज है। तो ऐसे क्षेत्रों का वो चयन करने के बाद ही वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तीसरा होता है सांस्कृतिक वातावरण, लोग देखते हैं सांस्कृतिक जो कारक हैं। इसमें क्या है, आर्थिक अवस्था, लोग अपनी उन्नति देखते हैं कि हम अगर इस क्षेत्र में रहना चाहेंगे, इस क्षेत्र का हम चयन करेंगे तो हमारी उन्नति, हमारा विकास कहाँ तक होगा। दूसरा, उन्नति का स्तर और वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, और मनोवैज्ञानिक स्तर, परिवहन एवं व्यापार सुविधाएँ, ये भी लोग देखते हैं कि वहाँ की जो परिवहन व्यवस्था है, व्यापारिक व्यवस्था है, वो किस प्रकार की है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही वो विभिन्न भूपृष्ठों का चयन करके वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। इसके बाद में सामाजिक कारक, सामाजिक कारक में क्या देखते हैं, वातावरण उनके अनुकूल है या नहीं है, पारस्परिक निरता, लोग एक दूसरे की सहायता कितनी करते हैं, ऐसे क्षेत्रों का चयन करते हैं। सामाजिक, अपने अपने समाज की जो मान्यताएँ होती है ऐसे, और सामाजिक संरचना, समाज की बनावट, अपने समाज जहाँ पे रहता है हिंदू लोग इस पृथ्वी पे, जहाँ हिंदू ज़्यादा है तो वहाँ पे हिंदू रहना पसंद करते हैं, जिस क्षेत्र में सिख रह रहे हैं तो वहाँ सिख उन जगहों का चयन करते हैं, मुस्लिम है तो वो मुस्लिम है, लोग अपने अपने क्षेत्रों का अलग अलग सामाजिक संरचना के आधार पर क्या है, क्षेत्र विशेष का चयन करके वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या है, लोग इस पृथ्वी पर भूपृष्ठ का चयन करते हैं और उन पे निवास करते हैं। तो पहला आपने पढ़ा विश्वव्यापी कारक, अवस्थिति देखते हैं, जलवायु, धरातल, समुद्र तल से ऊंचाई। दूसरा प्रादेशिक कारक, भूमि की बनावट, जल की आपूर्ति, मिट्टियां। चौथा इसमें वनस्पति और खनिज। सांस्कृतिक वातावरण में आर्थिक अवस्था, उन्नति का स्तर, राजनीतिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्तर, परिवहन एवं व्यापार, सामाजिक कारक के अंदर वातावरण अनुकूल, अनुकूलन और पारस्परिक निर्भरता, सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक संरचना आदि को देखकर ही इस पृथ्वी के विभिन्न भूभागों का चयन करके लोग इस पृथ्वी पर फैले हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अपना जो जनसंख्या वितरण, विश्व जनसंख्या वितरण जो टॉपिक है वो पूरा किया है। कल आगे अपने चर्चा करेंगे घनत्व के बारे में। तो थैंक्स।